स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे पंजाब के आर्थिक हालात की, क्योंकि पंजाब में आर्थिक संकट की खबरें लगातार आ रही हैं। भारी भरकम कर्ज और बदहाल अर्थव्यवस्था की बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यही वजह है कि केंद्र से पंजाब को काफी उम्मीदें हैं। केंद्र और पंजाब एनडीए की सरकारें हैं, लिहाजा उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंजाब को केंद्र सरकार से कितनी, कब और कैसी आर्थिक मदद मिलेगी। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कुछ अकाली नेताओं ने किसानों और सिखों के पेंडिंग मसलों की तुलना हरियाणा के जाट आंदोलन से की है, और एक तरह से इन बयानों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है। आज मुद्दे की बात में सियासत का पूरा अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मुद्दे की बात में सटीक, निष्पक्ष और सार्थक बहस के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पंजाब में 2017 के लिए बेहद जरूरी है सियासत का अर्थशास्त्र। पंजाब की आर्थिक स्थिति को अकाली दल के ही दो नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का दावा है कि राज्य सरकारों को बहुत फंड मिल रहे हैं, वहीं सुखदेव ढींसा फंड पंजाब की मांग पूरे करने के लिए केंद्र से अपील भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव फेडरलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर एडिशनल फंड्स टू द स्टेट्स from 32% to 42%, which no government did till now. Our Prime Minister decided to do it. Additional funds to the state has been something that our Prime Minister, instead of holding everything which an earlier government used to do, one thumb rule applies to everyone. Here we have opened our hands and given it to the states and let them decide what they want to do with their funds. Agitation में होना इतने रहने जो रही है, कोई वक्त आएगा फिर पंजाब से भी पंजाब शिक्षा मंत्री भी ध्यान रखना कि अखीर नूं तां फिर जदों ओ कोई भांडा भर जाए तो फिर मुश्किल हो जांदा संभाल। इसी तरह से किसानों के हालात को लेकर भी अकाली दल के इन दोनों नेताओं के बयान मेल नहीं खाते। आखिर क्या कुछ कहा है किसानों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल ने और सुखदेव सिंह ढींसा ने, आपको सुनवा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते सारी सबसे पहले जो नुकसान होता है, पहले 50% पे मिलता था, उसको घटा के 33% नुकसान भी होगा तो आपको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और कॉम्पनसेशन फसल बीमा योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आई है, आज मैं मानती हूँ कि ये एक बीमा योजना उस मुश्किल में खड़े किसान के लिए एक लाठी का काम करेगी, जहाँ उसे वो सहारा मिलेगा जब मौसम की मार मिलेगी। सुसाइड हो रहा है, उन्होंने देखते हुए पंजाब के किसान को कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिन्हें पंजाब का अन्न भंडार अज भी भर रहा, पहले ही भर है, पर यह देश में सब तो वध अन्न दे रहे हैं, वो किसान का जरूर देना चाहिए। तो एक और हरसिमरत कौर बादल कहती हैं कि बहुत सा फंड आ रहा है राज्य सरकारों को, वहीं सुखदेव सिंह ढींसा ये दावा करते हैं कि हमें विशेष पैकेज भी चाहिए, कर्ज माफी भी चाहिए, वहीं किसानों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तो इन सभी सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब सरकार विशेष पैकेज की मांग क्यों कर रही है, इसके क्या मायने हैं, आखिर कौन से सवाल हैं जो आज मुद्दे की बात में छाए रहेंगे और उनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल है आर्थिक पैकेज पर अकाली नेताओं की तल्खी क्या इशारा करती है, आखिर अकाली दल की ओर से तल्खी भरे तेवर क्यों दिखाए जा रहे हैं आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर। और दूसरा सवाल, आर्थिक पैकेज और कर्ज पर अकाली दल में दो राय क्यों है, आखिर ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं एक ही पार्टी के नेताओं की ओर से। और तीसरा सवाल, अकाली दल ने सिख और किसानों के मसलों की तुलना जाट आरक्षण से आखिर क्यों दी है, आखिर ऐसे तल्खी भरे तेवर क्यों हैं, क्यों ये चेतावनी भरे सुर जो है अब निकल रहे हैं। तो
तो आज हम पंजाब के आर्थिक हालात पर बातचीत करेंगे। क्या पंजाब की आर्थिक हालत वाकई इतनी बिगड़ चुकी है कि अब विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, और आखिर बार बार ये सरकार से विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है और कर्ज माफी की मांग क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सुखदेव सिंह ढींढसा का बयान हमारे सामने आया है और वो कहते हैं कि अगर सरकार ने सिखों के मसले पर यानी और किसानों के मसले पर ध्यान नहीं दिया तो हालात हरियाणा जैसे भी हो सकते हैं। इन सभी सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। यामिनी गोमर जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है। वहीं इंद्रजीत सिंह जीरा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीरा साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपने सुखदेव सिंह ढींढसा जी का अगर बयान सुना है तो वो यही कह रहे हैं कि अगर सरकार से ध्यान नहीं दिया पंजाब की ओर तो हालात जो हैं वो हरियाणा जैसे भी हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? इंद्रजीत, पहले तो मैं तुहाडा धन्नवादी हां कि तुसीं ऐसे इशू लैके सानूं बुलाउंदे जे जिहड़े लोकां विच जाण। गल ये आ कि जदों पार्लीमेंट दीआं चोणां सी ते पार्लीमेंट दीआं चोणां विच जेतली साहब नूं बादल साहब कह के आए कि तुसीं उत्थे कागज़ भर लो, ते जदों कागज़ भर के तुसीं चले जाया जे सर्टिफिकेट आ के लै जाया जे। उत्थे तिन्नां पार्टियां ने वधिया बंदिआं नूं आपदे वल्लों टिकटां दित्तियां। जेतली साहब आ गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े साडे प्रधान ने एम पी भी ने उह आ गए। इस तरह डॉक्टर दलजीत सिंह जिहड़े सी आम पार्टी वालों बहुत सत्कारयोग सन उह भी। और गल ये कि जेतली जदों इलैक्शन होया कैप्टन अमरिंदर सिंह की हरमन प्यारता उन्होंने 5 साल के काम जिहड़े कीते सी, जदों अंबरसर गए उन्होंने लोगों ने हत्थां ते चुक लिया, उत्थे जेतली साहब नूं हारदा मूँह वेखना पिया। और जिहड़ी आम पार्टी सी उन्हां दा तो उत्थे बहुत माड़ा हाल होया। हुण जेतली साहब बादल साहब ने भावें गल तो उदों सच्ची की सी भी खजाना मंत्री बन गए, उत्थे वह बन गए क्योंकि वह एम पी बन के ना बने। जदों एम पी हरे तो उन्होंने आपकी बड़ी जिहड़ी बेइज्जती महसूस की, उदू बाद उन्होंने मुठ्ठी जिहड़ी है घुट ली। जदों मुठ्ठी घुट ली तो पंजाब नूं उदू बाद जिहड़े सुखबीर सिंह बादल कहिंदे सन भी ट्रक नोटां दे भर के आउणगे जदों साडी उत्थे सरकार बनेगी, वह ट्रक दिसे नहीं किसी नूं। अज पंजाब की आर्थिक स्थिति एड्डी माड़ी हो गई है कि परमिंदर सिंह ढींढसा भी जिहड़े ने उन जिहड़े इत्थे फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने भी कई बार कहा कि बड़े माड़े हालत ने। तो अज जिहड़े मैं बयान सुन रहा दोवें लीडरां दे अड्डो अड्डी, क्योंकि बहुत ही सत्कारयोग ने सुखदेव सिंह ढींढसा, बहुत सीनियर लीडर ने, बहुत सियाने ने और बड़े एम पी चले आते हैं, मिनिस्टर भी रहे ने। और अज उन्हां दा बेटा इत्थे उन्हां नूं हर गल दसदा है कि पंजाब दे हालात की बने ने। और उन्होंने बेशक वह सच बोलिया पर वह सच बड़ा लेट बोलिया और सच कौड़ा बड़ा बोलिया भी हालात खराब हो जाएंगे जिवें हरियाणे च होए ने। मैं उन्होंने भी एक गल कहना चाहवागा कि ढींढसा साहब, मैं अगे भी एक गल कही सी कि प्रकाश एकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर होंदिया आपकी सरकार के उल्ट जाके उत्थे धरना दिता सी। जे अज प्रकाश सिंह बादल नूं पंजाब नाल प्यार है, कोई पैकेज लैना है, तो जेतली साहब तो मोदी साहब नूं तुहाडे नाल रंजिश है, पंजाब सफर कर रहे हैं तो तुसीं जाके उत्थे मरण वरत रखो, नाल इंद्रजीत सिंह जीरा भी तुहाडे बैठेगा मरण वरते बैठेगा। दूजे पासे गल करांगे मैं हरसिमरत कौर जिहड़ी मिनिस्टर है हुण, देखो हक बनदा सी उत्थे सुखदेव सिंह ढींढसा दा, उह सीनियर सी, पर इन्होंने आप मुख्यमंत्री ते आप मुंडा जिहड़ा मुख डिप्टी मुख्यमंत्री ते घरवाली नूं उत्थे बनाउण दे लई सीनियर लीडरशिप नूं इगनोर कर दिता, इगनोर नूं करके एक नौकरी नूं उहनूं दवा के अज पंजाब तबाह कर दिता। जे मैं कहना इहनां च माड़ी मोटी भी जमीर है ते अज तुरंत इहनां नूं उहनां तों वख हो जाणा चाहीदा ते लड़ाई लड़नी चाहीदी है जिवें अकाली दल लड़दा हुंदा सी, पर हुण अकाली दल ही नहीं रहा, इस करके लड़ाई लड़न जोगे नहीं रह गए। हुण तां उह अकाली तां इन्हां ने छड्ड दित्ते जिहड़े मोर्चे च जेलां च जांदे हुंदे सी, हुण तां अकाली शिप आ गया क्लीन शिप, वड्डियां गड्डियां च रहिण वाला, इन्हां नूं पता भी साडे नाल धरने ते किसे नहीं जाणा। इस करके गल आ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पंजाब के आर्थिक हालात से सब वाकिफ है और वित्त मंत्री जो है वो खुद इस पर बयान दे चुके हैं। लेकिन यामिनी गौमर जी, ये कहां तक कहना सही है कि अगर पंजाब की ओर ध्यान नहीं दिया गया, किसानों को कुछ नहीं दिया गया, उनके लिए जो है वो फंड नहीं दिए गए, तो हालात जो है वो हरियाणा जैसे भी हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से हरियाणा से हम लोग ना ही कंपेयर करें तो ये बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कभी, पंजाब कभी नहीं चाहेगा कि उस तरह के हालात पंजाब दोबारा देखे जो वो पहले देख चुका है। जहां तक बात किसानों की है तो बिल्कुल हर कोई जानता है कि किसान कितने कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, कितने किसान आज पंजाब में खुदकुशियां कर रहे हैं। और सिर्फ किसान ही क्यों, इंडस्ट्री यहाँ पर आज हमारी कर्ज के नीचे दबी हुई है, पूरा पंजाब लोन के नीचे है। यहां तक कि आप ये देखिए कि अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो हर बच्चा जो आज पंजाब में जन्म ले रहा है वो पैदा होते ही अपने ऊपर 2 लाख से 3 लाख का लोन लेके पैदा होता है, जो शायद वो जिंदगी भर चुकाता रहता है, जिसका इंटरेस्ट टैक्स के रूप में और अलग अलग तरीके से, और फिर भी वो उस टैक्स से मुक्त नहीं हो पाता जो सरकारें डेवलपमेंट के नाम पे देश के स्टेट के लिए ले रही है। और जहां तक बात अभी सर ने की है कि जी जेटली जी एमपी हार गए, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी अपनी पर्सनल ग्रजेस है, उसके लिए मेरे ख्याल से किसी स्टेट कोई सफर करे ये कहीं से कोई मतलब नहीं है। कि अगर वो इलेक्शन हार गए, वो इस चीज से नाराज है, उन्होंने अपनी मुट्ठी पंजाब के लिए बंद कर ली, अरे ये पंजाब है, पंजाब के लोग हैं जिन्होंने वोटें दी हैं, जो लोग अपने नेता चुनते हैं, जो अपनी चुनी हुई सरकार की कुछ पर्सनल रंजिशों की वजह से पंजाब के लोग नुकसान में रहे, वहां की जनता नुकसान भुगते, ये कहां कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है और ये किस तरह का इंसाफ हो सकता है वहां की जनता के लिए? जीरा साहब, लेकिन ये बार बार पंजाब सरकार की ओर से विशेष पैकेज क्यों मांगा जाता है, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि कर्ज माफ कर दिया जाए, और अब क्योंकि चुनावी मौसम है, 2017 में चुनाव होने हैं, तो अब ये मांग जो है वो ज्यादा ही जोर पकड़ती जा रही है? देखो इंद्रजीत, गल ये आ कि इन्हां नूं बड़ियां वड्डियां आसां सन जदों सरदार मनमोहन सिंह सी जो प्रधानमंत्री सी, उदों ये उन्हां कोल जांदे सी, बुक्का दे के करोड़ा रुपया लै आउंदे सी कि उन्हां नूं वी पंजाब नाल प्यार सी, उह चुप चपीते इन्हां नूं पैसे दे देंदे सी, और उस पैसे नूं इन्हां जायज़ नहीं वरत्या। जे जायज़ वरतदे पंजाब अज बहुत अगे चला जांदा, उहनूं नजायज़ वरतों करदे रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੰਡ ਜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਚੇਤੇ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ 7% ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਅਤੇ 7% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ 3% ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਸਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਐਗਰੀਕਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
इस करके कि कैप्टन अमरिंदर जी अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे उस वेले तो पहला किसान 35 रुपये बोरी के क्विंटल पिछे कटाने पैंदे सी, एक रुपया नहीं कटाया, 24 घंटे दे विच विच फसल चुकी जाती सी और 48 घंटे दे विच विच पैसे दिते जाते। इत्थे अज भी 500 दे उत्ते 500 करोड़ तो उत्ते रुपया है, 555 करोड़ अजे सेंटर ने आ झोने के जी झोने के पैसे देने ने अजे तक नहीं दे रहा सेंटर के पैसे, उदो पैसे सब तो पहला आ जाते सी और हालात जिहड़े ने अज इन्हां नूं दवानी भी देने तैयार नहीं, तो जो दवानी देने तैयार नहीं तो यह गल तो कहिंदे ने भी असी तो इन्हां नाल समझौता रखना नहीं, ये जड़े ने कहिंदे ने साडा उन्हां दा समझौता है ना, वो माद इत्थों तक बादल साहब कह गए कि पति पत्नी का रिश्ता है। देखो बादल साहब सत्कारयोग ने मेरे, पर मैं कहना कि इन्नी गल कह देनी वो साडा पति असी पत्नी हाँ, एक ये तुहाडे टीवी चैनलों पर भी चलता रहा, सारा कुछ चलता रहा, हुण सुखबीर जी बोलते हैं जो लोगों को समझ नहीं आती, कदी कह देंगे ने जी बस जीरा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये मांग सिर्फ मांग ही रह जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी कभी, बे बिल्कुल से ये मोदी तो आस ना रख ना पूरी होगी, चाहे धमकियां दे लेन, मैं कहना कि जिन्हां नूं पंजाब दे नाल प्यार है ते सवेरे हर सिमरत कौर नूं रिजाइन करना चाहिए, रिजाइन करके इन्हां नाल लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई लड़ के तो कुछ लिया जा सकता है, बेच एक आपकी नौकरी की नौकरी एक वजीरी नौकरी होंगी है उन्होंने बचाने की खातर जिन्ना कुछ हार सिमरत कौर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। सुखदेव ढींसा कह रहे हैं कि हालात जो है वो हरियाणा जैसे कर देंगे तो शांति प्रिय जो प्रदेश है उसमें अशांति फैलाने की जो है एक कोशिश की जाएगी, इस तरह के हालात पैदा करना पंजाब के लिए भी नुकसानदायक है। आपके पास मैं लौट कर आऊंगी, यामिनी गुमर जी आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे और वैस साहब आपके ही पार्टी के दोनों नेता के अलग अलग बयान आए हैं, तो आखिर जनता किस पर विश्वास करे, क्या किसानों की हालत सुधरी है, क्या पंजाब की आर्थिक हालत वाकई में सुधरी है? आप जरा ध्यान से देख लें दोनों बयान जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और आपको ठीक तरह उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है और दोनों जो लीडर है वो एक ही बात कर रहे हैं असल में, क्योंकि जो बीबा हरसिमरत बादल कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हालात सुधरने का मतलब ये हो गया कि जो चाहिए था सारा कुछ मिल गया, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंपेयर्ड विद द प्रीवियस डिस्पेंसेशन उससे अब बेहतर है। ढींसा साहब जो बात कर रहे हैं वो भी नई नहीं है, ये जो पैकेज की बात है ये कंसिस्टेंटली हम बहुत देर से करते आ रहे हैं और हमारे पिछले एक प्रोग्राम में यहाँ इसी इशू पर कांग्रेस के मेरे कोई दोस्त थे, जीरा साहब तो नहीं थे, कोई और थे, उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उनका मतलब था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने 70,000 का कोई पैकेज दिया जबकि जो मौजूदा सरकार है इसने कुछ भी नहीं दिया। मैं उस दिन खुद यहाँ नहीं था और सिर्फ टेलीविजन पर ही देखा था, तो मैं बता दूँ शायद आज भी वो बात हो कि वो जो 70,000 का पैकेट था बहुत अच्छी बात है उन्होंने की, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो जो डिस्ट्रेस पैकेज मांगा गया था वो पंजाब ने मांगा था, लेकिन वो 70,000 करोड़ रुपए में से एक नया पैसा भी पंजाब को नहीं आया, जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पंजाब जो है सबसे डोमिनेंट एग्रीकल्चर स्टेट है और ऐसे पंजाब के साथ पहले से ही होता आ रहा है। तो हम जो ये मांग कर रहे हैं वो इसी कर रहे हैं कि इतनी देर से हमारे साथ जो हो रहा है इसलिए हमें स्पेशल पैकेज की जरूरत है। जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज इतनी देर से जो है वो ठीक नहीं हो रहा और 70,000 की मैं अगर जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार को चेतावनी भरे स्वर में कहा जाएगा कि अगर नहीं मिला, पंजाब की ओर ध्यान नहीं दिया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो हालात जो है वो हरियाणा जैसे कर दिए जाएंगे, ये नहीं कहा उन्होंने कि कर दिए जाएंगे। आप अपने आप क्यों बात बनाते हैं? आप देखो देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप बयान पढ़े, मुझे भी पता है बयान क्या है, आप बात गलत कर रहे हैं तो गलत थोड़े बात चलेगी। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से ढींसा साहब ने क्या कहा आपको सुनवा देते हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा आरक्षण के मुद्दे, जाट वाले मुद्दे पर क्या कहा उन्होंने कि हरियाणा जैसे हालात हो जाएंगे, एक बार फिर से सुनवा देते हैं। एजिटेशन जिमें हूँ इतने हरियाणे हो रही है, कोई वक्त आएगा फिर पंजाब च भी पंजाब सिखा वाल भी ध्यान रखन कि अखीर न फिर जो
वो कोई भांडा भर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है संभाल कर देंगे। बैस साहब आपने सुना उन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल सुना बस मुझे हाँ मैंने सुन लिया आप भी सुन ले उन्होंने क्या कहा है उन्होंने क्या ये कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे आप कह रहे हैं उन्होंने ऐसे कहा उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जो किसान के साथ इंसाफ नहीं होगा या उसके जो समस्याओं का हल नहीं होगा तो बिल आखिर इंसान जो है वो एक्सट्रीम की तरफ चल पड़ता है जैसे हरियाणा में हुआ जैसे और स्टेट्स में हुआ है ऐसे पंजाब में ना हो जाए तो इसके लिए उन्होंने एक तरह से वार्निंग कॉशन दिया है उन्होंने थ्रेट थोड़े किया है कि हम कर देंगे आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया उसका मीनिंग और है तो ये बात नहीं है ये और जो ढींसा साहब बात कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं वो पार्टी भी कह रही है कि जो भी एक्सट्रीम का जो स्टेप्स जब जो स्टेप्स हम टाइम पर नहीं लेते हैं बात को एक्सट्रीम पर जाने देते हैं तो उसके कई बार जो नतीजे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं तो यही बात ढींसा साहब कह रहे हैं सीनियर लीडर साहब आपको वो भी सुनवा देते हैं किसानों के मसले पर आखिर क्या कुछ कहा है ढींसा साहब ने एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं सुसाइड हो रहे हैं उन्हें देखते हुए पंजाब के किसान नु कुछ ना कुछ देना चाहिए जिन्हें पंजाब का अन्न भंडार अज भी भर रहा पहले ही भर है पर देश नु सब तो वध अन्न दे रहे हैं वो किसान का जरूर देना चाहिए तो आपने सुना बैस साहब वो बार बार किसानों के मसले के लिए कह रहे हैं विशेष पैकेज देना चाहिए लेकिन ये बार बार जो है सरकार तो गठबंधन सरकार ही है जो आपकी बीजेपी है वही तो केंद्र में है फिर आपको बार बार ये ऐसे क्यों मांग करनी पड़ रही है हमें सिर्फ बीजेपी की सरकार से ही मांग नहीं करनी पड़ रही हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं ये आज से नहीं कर रहे हैं और बल्कि आज तो हमें थोड़ी ज्यादा इसलिए करनी पड़ रही है कि जब ये वक्त पर होना चाहिए था हुआ नहीं है जो 70,000 की बात कर रहा था बीच में काट देते मुझे कि 70,000 करोड़ पंजाब ने एक भेजा था प्रपोजल और कि ये डिस्ट्रेस स्टेट्स तीन हैं तीन स्टेट्स में थी पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और इन तीनों में से किसी को नहीं दिया गया पंजाब को तो हरियाणा को तो फिर कुछ मिला पंजाब को बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला यानी एक पैसा भी नहीं मिला 70,000 करोड़ में से जो पंजाब के कहने पर दिया गया ऐसे ही जब डिस्ट्रेस स्टेट्स की बात हुई तो पंजाब का नाम डिस्ट्रेस स्टेट्स में डाला गया लेकिन वो डिस्ट्रेस स्टेट्स की जो रिलीफ देनी थी वो नहीं मिली अब वो जाते जाते वो उस डिस्ट्रेस स्टेट्स का जो कैटेगरी ही खत्म कर गए तो उसको हम कह रहे हैं मौजूदा सरकार को कह रहे हैं और हमारी बात देखिए कि हम में ये दम है कि हमारी अपनी सरकार भी दिल्ली में है तो हम मांग करने की दम रखते हैं कि कोई भी इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस से मांगते हैं हम अपनी सरकार है बीबा जी वहां हमारे मिनिस्टर हैं हम उनसे भी मांग रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको याद होगा कि जब वो पंजाब का जो पानियों का मसला था उसका जो एक जो केस था चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दरबारा सिंह जी को दिल्ली बुलाकर और अखबारों में है आपके पास भी पड़ा है और बुलाकर ये बोला कि केस इसको विदड्रॉ करो और उन्होंने केस विदड्रॉ किया इस चीफ मिनिस्टर हम ये बता रहे हैं कि वो तो अपनी सरकारों से डर के पंजाब के मसले ही छोड़ देते थे हम तो उस सरकार से जो कि हमारी ही अपनी सरकार है हम उसके अलायंस में है उससे भी अगर सही बात है तो सही करेंगे ये थोड़े कहेंगे कि हमारी सरकार तो हम चुप कर जाएं तो आपकी सरकार है तो आप मांग कर रहे हैं बार बार क्या ये मांग पूरी होगी आपको लगता है क्यों नहीं होगी हम अगर मांगेंगे नहीं तो कैसे होगा तो सर अभी तक हुई क्यों नहीं है पूरी अब मैं ये बात करूं कि कोई भी चीज जो होती है उसको जो उसका मैं आज कोई चीज मांगता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कल क्यों नहीं मांगी जैसे हम जैसे जैसे डिमांड आती हैं हमने पहले भी मांगा है ऐसा नहीं है पहले नहीं मांगा है और जो अब जो बातें हो रही हैं फॉर एग्जांपल पिछले गड़े पड़े या कुछ ऐसी बातें हुई जैसे जैसे वो समस्याएं आती हैं और फिर मैं आपको और बता दूं कि पंजाब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स चल रहे थे उसको भी हमने पंजाब गवर्नमेंट एक ही एक सरकार है एग्रीकल्चर स्टेट्स में से भी जो कि खुद जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आती है उसमें 2500 रुपया खुद से डाल के फिर किसानों को देती है ऐसे ही हम बॉर्डर स्टेट्स के बॉर्डर एरियाज के किसानों को देते हैं दीरा साहब को पता है उधर के हैं और ऐसे ही हम जनरल जो किसान हैं उनको जो रिलीफ देते हैं उनमें देते हैं और ऐसे ही हमने अब किसानों के लिए जो है 50,000 रुपीज जो इंग्लैंड को छोड़कर अगर किसी जगह पर इंग्लैंड को छोड़कर दुनिया में अगर किसी जगह पर मेडिकल सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई स्कीम शुरू की गई है तो वो पंजाब के किसानों के लिए की गई है 50,000 की और उसको हम ट्रेडर्स को भी एक्सटेंड कर रहे हैं और ऐसे ही जो 5 लाख की जो हम जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किसानों के लिए की गई है ये पंजाब में के अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी और नहीं है तो और भी हम स्कीमें ला रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास होता है तो हम लाते हैं
और हमारे ऐसे भी बात करते हैं, एक तरफ तो हमें कहते हैं कि हम कर्ज बहुत ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमें यह भी कहते हैं कि इनको तो कर्ज देता कोई नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें जब करते हैं उनका कोई आधार नहीं होता है, तो जो क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि हम कोई भगवान है तो हमसे गलती नहीं हो सकती। ठीक है भाई साहब, आपकी सरकार ने योजनाएं बहुत बना ली लेकिन किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक पाई। जीरा साहब, आपको लगता है कि वाकई किसानों की हालत में सुधार हुआ है? देखो जी इंद्रजीत, बहुत सत्कारयोग ने भाई साहब, पर थोड़ा बहुत असर बादलों का तो पैना ही इन्होंने भी, क्योंकि जो बादल साहब ने तजर्बा, जो बादल साहब का तजर्बा जाए, इन्होंने उनके चो कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। पहली तो गल है कि मैं अज भी कहना कि पंजाब दे विच, मैं पहला भी ये गल कह चुका भी जेड़े पैसे आउंदे सी, ये जेड़े किसानों नूं देने सी, शायद तुहाडे टीवी चैनलों ते इत्थे धरने भी लगे। एकरा सोका पै गया, सरदार मनमोहन सिंह जी ने 800 करोड़ रुपया जेड़ा पंजाब सरकार नूं दे दिता, इन्हां 150 करोड़ रुपया सिर्फ किसानों नूं दिता, यूनियनां ने धरने लाए, 650 करोड़ रुपया किसी होर स्कीम च पा के वरत गए। अज भी असीं कहिंदे आ वी अब्बल तां कोई आस ही नहीं इन्हां दी सरकार उत्थों कुछ लै आवेगी, जे लियाउणा तां असीं कहिंदे सीधे किसानों नूं मिलना चाहिए। इन्हां नूं शायद ये नहीं पता भी उदों मनमोहन सिंह ने जिहड़े पैसे दिते सी उह सीधे बैंकां नूं दिते सी, जिंदे विच मैं तुहानूं पहलां भी दस चुक्या कि 3 लाख जिहड़ा असीं तां हुण आस करदे कि इन्हां दी सरकार आई 3 लाख तों 6 लाख करेगी, ब्याज फ्री करेगी, जे इंडस्ट्री जे शूगर फैड नूं वड्डियां इंडस्ट्रियां नूं बिना फ्री ब्याज तो बिना पैसे दे सकदे ने, कि अज जिहड़ा किसान जिन्हें पंजाब हिंदुस्तान का ढिड भरिया उन्होंने उन्हां दीआं जिन्नीआं सबसिडियां सी ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ 99 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ 10-50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ 17 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੜਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕੋਈ 5 ਰੁਪਈਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਆਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੌਜ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਖਰਚਾ 60 ਪੈਸੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। उनकी बातें हैं भी करने योग्य है, अक्सर होते रहते हैं, अच्छी बात है कि आपने किया, तो बात कितनी गलत है। पहले तो बात यह है, इन्होंने बोला कि मैं भी उनका जाती तौर पर सत्कार कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने जब सरदार मनमोहन सिंह बीमार हुए थे तो हमने हरिमंदर साहब में उनकी सेहतयाबी के लिए जब गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखवाया था। ऐसी बात है, कोई जाति बातें उनके खिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं तो बैंकों में देना या सीधा देना तो बात तब शुरू होगी ना, पैसे देंगे
मैं कह रहा हूं कि 70,000 करोड़ में से एक नया पैसा पंजाब को आया ही नहीं, तो बैंकों से देने या सीधा क्या बात है उसमें। और दूसरी बात यह है कि ये जो बात करते हैं कि क्या प्रश्न था इनका, आप प्रश्न बोलिए प्लीज जरा, मैं इनका सभी का बार बार एक एक चीज का जवाब देता हूं, मेरे पास फैक्ट्स है। जवाब आए नहीं जी बैंस साहब, प्रश्न कीजिए। मैंने आपका जो था एक पहले का जवाब दे दिया, अगर आपको अपना प्रश्न ही भूल गया तो मैं क्या करूं। दूसरी बात यह है कि जो किसानों के बारे में जो दूसरी इन्होंने बात की कि आत्महत्याएं हो रही है, ये हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वाला से अब पानियों की बातें करते हैं कि और जो बात कर रहे हैं उनका आज की बात से तो संबंध ही नहीं है। पानी के जो उनका बिल लाए गए थे पंजाब का जो पानी रोकने, ये मैं उसका भी बता दूं, फिर भी इन्हें लाए हैं तो मैं बता दूं कि पंजाब में जो पानी की समस्या है दरियाई पानियों की, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब कपूरी में मोर्चा लगा था तो ये जीरा साहब हमारे साथ होते थे और इन्होंने हमारे साथ मिलकर मोर्चे किया था, लेकिन तब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलकर वो जो चांदी की कही लेकर वहां टक लगाया था, उसकी तस्वीर भी आपके पास है, नहीं तो हम दे देते हैं, और उसकी तस्वीर के साथ हम आपको खबर भी देते हैं कि 1 करोड़ रुपया तब लिया गया, वो अखबार में छपा हुआ है सारा। तो वही इधर उधर जाके आप ले लेते हैं 1 करोड़ रुपया देके, आप वहां टक लगाते हैं पंजाब का पानी सारा देने को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दिया था, और इधर बाद में बात करते हैं कि हमने रोक दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो पंजाब के पानियों का बिल था, जो पानी रोकने का था, जब दरियाए पानी का, क्या उससे एक ड्रॉप ऑफ वाटर पंजाब का बचा है अभी तक? ये सिर्फ दिखावे की बातें, क्या फायदा? बल्कि उसी बिल में ये भी लिख दिया था जिसको हमने विधानसभा में भी अपोज किया थी उसकी, कि पानी जाता है पंजाब का वो जाता रहेगा, तो हमने विधानसभा में भी उठ के कहा था इसको ठीक कर लो, लेकिन इनकी मेजोरिटी थी, इन्होंने नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब वो बिल भी फ्रॉड है, पहले तो पानी खुद दिया, इनकी तस्वीरें हैं इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े हुए, खबरें हैं, और 1 करोड़ लिया गया, कैप्टन साहब वहां खड़े हैं, वो सारी खबर है, तो खुद ही तो पानी का जो नुकसान करवाया पंजाब का, और खुद ही कहते हमने बचाया, तो ऐसी बातें से क्या निकलेगा? असली बात यह है, जो असली बात यह है कि अगर, और आप कहीं भी जाकर यह पता कर लें कि पंजाब के क्या दुनिया के किसी भी किसान को अगर कुछ दिया जाता है, कोई सहूलत दी जाती है सरकार की तरफ से, मैं इसके दावे से कहता हूं दुनिया में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, कहीं आप लेकर जाएं कि कहीं पंजाब कहीं दुनिया में किसानों को पानी मुफ्त दिया जाता हो, जो उसके ट्यूबवेल का जो बिजली होती है उसका मुफ्त दिया जाता हो, और उनके घरों में जो बिजली होती है उसके 200 वॉट्स मुफ्त दिए जाते हैं। क्या किसानों के लिए इतना ही काफी है? किसानों के लिए और योजनाएं नहीं होनी चाहिए? काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, यामिनी जी से भी सवाल लेते हैं। यामिनी जी, बार बार आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है, बार बार किसानों के मसले की बात की जा रही है, किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, किसानों की समस्याएं हल करने की बात की जा रही है, लेकिन बार बार ये आर्थिक पैकेज का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा कहीं सरकार पर? देखो, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, हमारा पंजाब, वो कई तरह से एक भरपूर स्टेट अपने आप में है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्री में किसी और जगह पे अवेलेबल भी नहीं होंगे। हमारे पास एग्रीकल्चर हमारा अपना है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, बिजली हमारा अपनी है, हमें खाद्य पदार्थ बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते हैं, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास कई चीजें हैं जो हम खुद अपने यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, देश हमारे जो स्टेट है वो खुद पैदा कर रहा है, तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हमें एक्स्ट्रा पैकेज की जरूरत पड़े? इतने सालों से लोन पे लोन लिया जा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा है कि जिसका तो भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ता है, तो वो जो लोन है वो इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्यों हम पहले का लोन चुका नहीं पाते हैं, आगे और लोन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं? एक पंजाब को क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो अपना लोन नहीं चुका पा रही है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा वो देख रही है? क्यों हम रेवेन्यू क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या स्टेट अपना खुद का रेवेन्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा? आप क्यों नहीं, ये सरकार अपने आप को क्यों नहीं देखती है? आपका गठबंधन है बीजेपी और, तो ये कोई बात नहीं है कि आप एक दूसरे पे इल्जाम सफर करते रहे, आम जनता फिर बात चल रही है कि आप बोलते रहे जी वहां पे बीजेपी आपकी जो है बैठी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत देर से आप मांग कर रहे हैं, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही, तो वो वहां पर बैठकर इस मांग को, पंजाब की मांग को पूरी नहीं कर जा सकती, क्या वो क्योंकि इस बात को
हैं कि ये पंजाब के लिए कितना जरूरी है। आप बताइए कि स्टेट अपना रेवेन्यू कहां से क्रिएट कर रहा है, खेतीबाड़ी पंजाब में खत्म होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में फैल रहा है, जब रोजगार ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कोई पॉइंट नहीं होता, पॉइंट नहीं होगा जब रेवेन्यू क्रिएट होगा तो आप लोन्स के ऊपर एक लोन ले लेके आप कब तक अपनी स्टेट को चला सकते हैं, इस बात का जवाब मेरे ख्याल से लेना बहुत जरूरी है। क्यों पंजाब इस्तेमाल नहीं क्यों किया जा रहा, क्यों पंजाब को कर्ज में, किस बात की सजा पंजाब के लोगों किस बात को भुगतते। ठीक है यामिनी जी, के सवालों का जवाब दे दीजिए। वैसा क्या सिर्फ विशेष पैकेज ही रह गया पंजाब के लिए, क्या अपना रेवेन्यू नहीं है पंजाब सरकार के पास? मेरे ख्याल में इस बात पर तो मेरे साथ जिया साहब भी सहमत हो जाएंगे। अब तो आम आदमी पार्टी ने अभी स्टैंड डिक्लेयर किया है अपना कि पंजाब को पैकेज की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक स्टैंड ऐसा मेरे ख्याल में पंजाब की कोई किसी पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं किया गया कि हम ये आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के आर्थिक हालात की। आज ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि दो नेताओं के बयान आए हैं, एक ही पार्टी के नेता है, सत्ता पक्ष है। पंजाब में आर्थिक संकट की खबरें तो आती रहती है, भारी भरकम कर्ज और बदहाल अर्थव्यवस्था की बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार से पंजाब को काफी उम्मीदें भी हैं, और सुखदेव सिंह ढींडसा भी अब यही कह रहे हैं कि बजट में वो उम्मीद काफी लगा रहे हैं कि इस बार कुछ मिल जाएगा, पिछली बार नहीं मिला था। केंद्र और पंजाब एनडीए की सरकारें हैं, दोनों उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो यही होगी कि पंजाब को केंद्र सरकार से कितनी, कब और कैसी आर्थिक मदद मिलेगी, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से लगातार विशेष पैकेज की मांग की जा रही है और साथ ही साथ कर्ज माफ करने की भी अपील की जा रही है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कुछ अकाली नेताओं ने किसानों और सिखों के पेंडिंग मसलों की तुलना हरियाणा के जाट आंदोलन से की है और एक तरह से इन बयानों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि सियासत का पूरा अर्थशास्त्र क्या है। तो पंजाब में 2017 के में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, पंजाब की आर्थिक हालत के बारे में आते हैं और साथ ही साथ सुखदेव सिंह ढींडसा के जैसे तलखी भरे तेवर हैं, और वहीं पर आज लोकसभा में अकाली दल की ही नेता हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, वो ये कहती हैं कि फंड जो है वो राज्यों को ज्यादा मुहैया करवाए जा रहे हैं, किसानों की हालत भी सुधर रही है। लेकिन वही सुखदेव सिंह ढींडसा बार बार ये कहते हैं कि किसानों के लिए नीतियां बननी चाहिए, किसानों के हित की बात होनी चाहिए। आखिर ये दो अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? क्या पंजाब के आर्थिक हालात वाकई इतने खराब हो चुके हैं कि एक विशेष पैकेज की अब जरूरत है? बार बार आखिर सरकार से विशेष पैकेज क्यों मांगा जा रहा है? आपको बता दें कि पंजाब की आर्थिक स्थिति को अकाली दल के ही दो नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल तो दावा कर रही है कि राज्य सरकारों को बहुत फंड मिल रहे हैं, वहीं सुखदेव सिंह ढींडसा ये कह रहे हैं कि पंजाब को फंड की जरूरत है, अगर सिखों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, पंजाब की ओर ध्यान नहीं दिया गया, किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किल हो सकती है और हालात जो है वो हरियाणा जैसे भी हो सकते हैं। तो आज
आज मुद्दे की बात में हमने चर्चा की पंजाब के आर्थिक हालात पर। हालांकि हमारा जो है संपर्क टूट गया है, अब संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितनी भी बहस हो पाई है उसमें ये स्पष्ट हो पाया है कि जो पंजाब के आर्थिक हालात है उसको लेकर अकाली दल लगातार विशेष पैकेज की मांग भी कर रहा है और यही कहा जा रहा है कि किसानों की हालत है उसमें सुधार नहीं हुआ है। हालांकि हरसिमरत कौर बादल ने दावा कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि हालात नहीं बदले हैं, इसीलिए शायद जो किसान हैं आज भी आत्महत्याएं कर रहे हैं और सड़कों पर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बजट में पंजाब के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। आज मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दे, धन्यवाद।